रजनी सिंह रजनी सिंह आज जो व्यवस्था चल रही है, एकदम कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जाता है, उसमें दोनों सरकार चाहे दिल्ली सरकार है या भारत सरकार है कितनी कामयाब हुई है? सर महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत ही पहले से बेहद है और महिलाएं आज पढ़ी लिखी हैं तो इसी वजह से पढ़ाई लिखाई की वजह से ही कुछ कर पा रही हैं। पहले क्या था कि महिलाएं घर में रहती थी और घर में दबाव भी रहता था अपने घर वालों का, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वो अपनी इच्छाओं को हमेशा दबा के रखती थी। लेकिन अब जब महिलाएँ बाहर निकलती हैं, एजुकेशन में भी अच्छी हैं, तो हर जगह उनका मान सम्मान भी होता है, घर में भी होता है बाहर भी होता है, और वो अपनी हर इच्छा को पूरा कर पाती हैं और अपने बच्चों को भी अपनी इच्छा के अनुसार परवरिश दे सकती हैं। लेकिन मतलब माना जाता है कि जो आज सरकार है वो कहती है कि जो आज लड़कियां हैं या महिला हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, वो लड़की को पायल नहीं लगाई जाती लेकिन लड़कों को नहीं लगाई जाती। सर ये तो देखो अपनी सोच है, आपको जो पसंद है वो आप पहनते हो, लड़कियों को जो पसंद है वो लड़कियां पहनती हैं। अगर लड़कों की नज़र सही है तो लड़कियां ज़बरदस्ती थोड़ी खींच रही हैं किसी को, उनका पहनावा है, उन्हें जो पसंद है वो पहनती हैं, लड़कों को जो पसंद है वो पहनती हैं, ये तो अपनी अपनी सोच है सर, कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज का टाइम जो है वो दिल्ली के अंदर लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? सर बहुत सुरक्षित तो नहीं है लेकिन फिर भी पहले से तो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं।